अरे हम तो पैर मत छुइए। देखिए ये स्थिति है गरीब की, ये स्थिति है। अरे निकम्मी सरकार, कहाँ सोई हो, कहाँ हो अरे नगर निगम के लोग, कहाँ है प्रशासनिक लोग। देखिए क्या कह रहा है, मर जाए, पैर छू के कह रहे हैं कि हमको पानी चाहिए। पानी बिना मर जाए, मर जाए बाबूआ, पानी बिना मर जाए। ये है बिहार की स्थिति, ये है दुर्लभ स्थिति। और यहाँ पे सेवा ही धर्म का नाम पे सेवा। और एक पानी दीजिए भाई, बड़ा स्थिति इनका खराब है, आप आराम कीजिए, पानी पीजिए। इससे बड़ा जब आम लोग फंसते हैं और जब आम लोगों को दिक्कत आती है, पानी तक आफत आती है, तो एक आम नागरिक मदद करता है। भले आप वोट दे दीजिए बड़े बड़े नेताओं को लाइन में लग के, गर्मी में लग के, लेकिन जो मदद है ऐसे लोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारें चुनिए तो अच्छी चुनिए, जो गर्मी में भी और बरसात में भी और ठंड में भी आपका साथ दे। बिहार के अभी हमारा में है और पूरे बिहार में प्रचंड गर्मी का स्तर जो है वो पूरा बढ़ता जा रहा है। बिहार के टेम्परेचर का पारा का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के मौसम विभाग का ऐलान है और खुला ऐलान है कि दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी पड़ेगी, लू जैसी गर्मी रात को भी होगी। लेकिन दृश्य देखिए, बिहार के आरा के समाज से भी लोगों का दृश्य देखिए कि किस तरीके से आरा के लोगों को इस प्रचंड गर्मी में पानी दिया जा रहा है, पानी से पानी और बताशा बांटा जा रहा है। और गर्मी में एक जो है पैगाम जो है वो दिया जा रहा है, प्यार का पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है। और देखिए जो है सेवा ही धर्म लिखा हुआ है, शीतल पेयजल, आरजू खातून, समाज सेवी आरजू खातून यानी कि रनर अप भी रही हैं, आरा की मेयर जो हैं वो प्रत्याशी भी रही हैं और रनर अप भी रही हैं। ऊपर में देखिए भगवान का ओम का निशान भी दिखेगा, 786 यानी कि मुसलमान लोगों का, मुसलमान भाइयों का जो है वो प्रतीक चिन्ह है, धार्मिक चिन्ह है, वो भी दिखाई देगा। सिख का भी दिखाई देगा, ईसाई का भी दिखाई देगा। इससे सुखमय और इससे दुर्लभ दृश्य जो है वो आपको आरा में देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ आरजू खातून ने सेवा ही धर्म है का ऐलान किया है, मतलब धर्म जो है वो सेवा है। कई सारे धर्म के नाम पे कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ जो है धर्म दिखाया गया है वो सेवा को दिखाया गया है। और दृश्य देखिए किस तरीके से जो है, क्या नाम है चाची, क्या नाम पड़ी? बेबी देवी। कहाँ घर पड़ी? जवाही टोला। जवाही टोला, व्यवस्था सही बा, पानी उनी मिला था? पैसो ले आई ला? ना ना ना, सरकार तो पैसे लेके सब कुछ देता है। लेकिन ऐसा फ्री में मिला? देखिए कई सारे लोग जो है यहाँ पे है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। और क्या आप लोग बांट रहे हैं यहाँ पे? जी जी, गर्मी को देखते हुए, इतना भीषण गर्मी को देखते हुए रात है और ये आरजू खातून की तरफ से पानी का व्यवस्था किया गया है और कोल्ड ड्रिंक है और बिस्किट विस्किट का इंतजाम किया गया। देखिए गरीब रिक्शे वाले को जो है वो पानी और बिस्कुट मिल रहा है, बिस्कुट पानी मिल गए, मिल गए। हाँ, गर्मी में बहुत हालत खराब बा। हाँ। अरे आरा नगर निगम कुछ व्यवस्था कही लगा कि ना, पानी या बिस्कुट ये तही लोग कही लगा, लोग और कोई सब मिला था? यहीं से मिला। देखिए ये पुलिस वाले लोग को भी दीजिए महाराज, ये लोग के चलते हम लोग का जो है आरा शहर सुरक्षित है और इन लोगों को गर्व है। देखिए उम्र जो है ढलान पे है, उसके बावजूद भी ये सेवा कर रहे हैं और सेवा ही धर्म है, वहाँ भी लिखा हुआ है और ये भी सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है सर? कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह, गर्मी बहुत प्रचंड है? गर्मी तो है, ये है तो ड्यूटी तो करना है। लिए है, लिए लिए ले लीजिए, ले लीजिए, प्यार से दे रहा है वो, लिए है वो। तो देखिए सेवा ही धर्म है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इमरान करीम जी, ये आरजू खातून की तरफ से हो रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। बस सरकार से यही अनुरोध है, वो भी साथ में हम समय साथ में मिल के करें बांटे। देखिए ये दृश्य हम दिखा दें कि कई सारे टेम्पो वालों को रोक रोक के पानी और बिस्कुट का वितरण किया जा रहा है। आप लोग को भी मिला? नहीं मिला सर। हाँ मिला, गर्मी हालत खराब है? हालत खराब है क्या जी? हाँ गर्मी, ऐसे चला ले रहे हैं ऑटो इतना गर्मी में, क्या करिएगा? पेट का सवाल है पापी, पेट का सवाल है ना। बात सही है, गर्मी में भी चल रही है गाड़ी, चल रही है, क्या करिएगा, मजबूरी में। मिला आपको पानी बिस्कुट? हाँ मिला।
तो इस तरीके से देखिए पानी और बिस्कुट बांटा जा रहा है। पानी मिला? हाँ पानी मिला सर, बिस्कुट भी मिला। बहुत प्यास लग रहा था, बहुत प्यास लग रहा था, प्रचंड गर्मी है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए आप लोग भी सुरक्षित रहे, घर में रहे, जितना बाहर हो कम से कम निकले ताकि लू से बच सके। लू का प्रकोप जो है वो काफी भयंकर है। आइए इफ्तिकार जी से बात करते हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं व्यवस्था को, और कई सारे लोगों को आप बता भी रहे हैं कि इनको इनको दीजिए, इनको देखिए गरीब आ गए। अरे हमको पैर मत छूइए, देखिए ये स्थिति है गरीब की, ये स्थिति है। अरे निकम्मी सरकार, कहाँ सोई हो, कहाँ हो अरे नगर निगम के लोग, कहाँ है प्रशासनिक लोग, देखिए क्या कह रहा है, मर जाए, पैर छू के कह रहे हैं कि हमको पानी चाहिए, पानी बिना मर जाए, मर जाए बाबुआ, पानी बिना मर जाए। ये है बिहार की स्थिति, ये है दुर्लभ स्थिति, और यहाँ पे सेवा ही धर्म का नाम पे सेवा। और एक पानी दीजिए भाई, बड़ा स्थिति इनका खराब है, आप आराम कीजिए, पानी पीजिए। इससे बड़ा जब आम लोग फंसते हैं और जब आम लोगों को दिक्कत आती है, पानी तक आफत आती है, तो एक आम नागरिक मदद करता है। भले आप वोट दे दीजिए बड़े बड़े नेताओं को लाइन में लग के, गर्मी में लग के, लेकिन जो मदद है ऐसे लोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारें चुनिए तो अच्छी चुनिए, जो गर्मी में भी और बरसात में भी और ठंड में भी आपका साथ दे। मैं किसी सरकार का ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोजपा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके नेता कितने लोग आए और गरीब लोगों की मदद किए हैं, ये सवाल आशा एक भारत पूछती है कि आपके नेता कितने लोग आए और मदद किए हैं। अगर किए हैं तो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, और भैया से बात करते हुए जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। सही धर्म तो यही है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, लड़वाते हैं। आप उनसे, आपको और हमको इन बातों से ऊपर उठकर ऐसे कामों, ऐसे समाज सेवी के साथ मिलकर आपको कदम मिलाना पड़ेगा। अब आप मुस्लिम और हिंदू करेंगे तो लोग भूखा, आप देख सकते हैं ना, अभी आपके सामने एक बंदा रो रहा, पानी पिलाए, जात पूछ के पूछ, क्यों पता धर्म पूछ, कोई धर्म था, वो हिंदू था, मुसलमान था, मगर यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की मौजूदा सरकार, मैं यहाँ के प्रशासन से, मैं यहाँ के DM SP से, मैं यहाँ के 45 वार्ड के वार्ड पार्षद से, मैं यहाँ के मेयर से, मैं यहाँ के डिप्टी मेयर से बस अनुरोध करना चाहता हूँ, सांसद से भी, और सांसद आरके सिंह आखिर कर क्या रहे हैं। सवाल ये है, आप ऊर्जा मंत्री हैं, देश के ऊर्जा मंत्री हैं, और यहाँ पे जो है आपके ही संसदीय क्षेत्र में ये स्थिति है कि एक गरीब जो है वो पानी के लिए तरस रहा है, तो आरा के सांसद महोदय आप क्या कर रहे हैं, सवाल पूछती है आरा की जनता। और विधायक महोदय आप पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं, आखिर आरा की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, सारे सवाल हम पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे। कितनी बार आए हैं आप लोग आरा में बताइए, और गरीब लोगों को कितनी बार पानी पिलाया है इस गर्मी के मौसम में, और क्या कुछ राहत के लिए आप लोगों ने सामग्री उपाय किया है ये भी आप बताइएगा। जय हिंद जय भारत। में देख रहे, आप देख रहे थे आशा एक भारत, में रैना सिंह। खबर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गर्मी बहुत है भैया, हमरो लागत है, इसलिए अब अलविदा लेते हैं। कॉमेंट बॉक्स कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए, इन लोगों का सेवा ही धर्म पसंद आए तो जरूर आप भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।